हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के टॉप वेरिएंट जो कि है सुपरनोवा ब्राउन। डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ आपको फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस आपको देखने को मिलता है, क्यों आपको ये लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मीटियोर 350 के बारे में बात करेंगे। तो देख लो भाई, ये टॉप वेरिएंट है जो कि सुपरनोवा है और सुपरनोवा में आप ब्राउन कलर देख रहे हो। काफ़ी अच्छी जो है बाइक आपको देखने को मिलती है मीटियोर 350, स्पेशली टूरिंग पर्पज़ के लिए। अगर आपको कोई बाइक लेनी है, आपको लंबी लंबी राइड्स लगाना पसंद है, तो आप ये बाइक डेफिनेटली ले सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल आपको जो है बाइक देखने को मिलेगी और काफ़ी शानदार जो है ये बाइक 350cc के अंदर आपको देखने को मिलती है। टॉप वेरिएंट का जो प्राइस है 2,60,000 रुपीज़ जो है इस वेरिएंट का प्राइस रखा गया है दिल्ली के अंदर। ऑन रोड प्राइस में बता रहा हूँ आपको 2,60,000 रुपये। और मीटियोर 350 वही बाइक है भाई 350cc की, जिसके अंदर सबसे पहले जो J1 सीरीज का इंजन आप देख रहे हो, J सीरीज इंजन जो कि लगभग सभी रॉयल इनफील्ड की बाइक के अंदर फिलहाल आ रहा है, वो इसी बाइक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और काफ़ी बढ़िया से जो है ये वाला इंजन परफॉर्म करता है। रॉयल इनफील्ड का लोगो भी इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। टॉप वेरिएंट है ये, इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड जो है बैक रेस्ट देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको जो है बैक रेस्ट देखने को मिलेगा। कलर भी काफ़ी शानदार है, यही कलर सबसे ज़्यादा बिकता है भाई मीटियोर 350 के टॉप वेरिएंट के अंदर, जो कि ब्राउन कलर है। और दिखने में देख लो भाई, बाइक काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। कंपनी फिटेड आपको अलॉय व्हील्स इस बाइक के अंदर मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलता है। बाकी स्विचेज वगैरह देख लो, क्लासिक 350 के अंदर यही वाले स्विचेज लगाए गए हैं जो मीटियोर 350 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये आपको जो है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार है। जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, टाइम मिलता है, जो कि सारी चीज़ें जो हैं इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ट्रिप नेविगेशन एज एन एसेसरी के तौर पे आप लगवा सकते हो। USB चार्जिंग इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी जो है शानदार ये बाइक है। और यहाँ पे देख लो भाई, ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। फ्रंट टायर जो है 19 इंच का इसके अंदर आता है और 300mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है। 350cc का J सीरीज का इंजन, जो कि 20.2 bhp की आपको पावर निकाल के देता है 27 Nm के टॉर्क के साथ। और माइलेज भी आपको आराम से इस बाइक से 35 तक का मिल जाएगा अगर आप इसको बढ़िया से राइड करते हो। और एक फुल टैंक के अंदर आपको लगभग 550 किलोमीटर की ये बाइक रेंज दे सकती है, 500 किलोमीटर प्लस की आपको रेंज देती है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको 15 लीटर का बड़ा टैंक देखने को मिलता है, जिसकी रिजर्व कैपेसिटी जो है 3 लीटर आपको देखने को मिलती है। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इस बाइक के अंदर यूज़ करता है, वही 1 डाउन 4 अप वाला आपको सिस्टम देखने को मिलता है। 5 गियर आते हैं, ठीक है, स्प्लिट सीट के साथ आती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। जिनकी हाइट कम भी है वो भी इस बाइक को बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। 120 तक की आपको मैक्सिमम टॉप स्पीड इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। और सस्पेंशन सिस्टम भी काफ़ी शानदार आपको जो है देखने को मिलता है। पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन ट्यूब एमिशन शॉक एब्जॉर्बर्स विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ आपको पीछे का सस्पेंशन देखने को मिलता है। और फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलता है 41mm फोक्स 130mm ट्रेवल के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूल चैनल ABS आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। फ्रंट में 300mm की जो है डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलती है और रियर में जो है 270mm की आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। अलॉय व्हील्स आते हैं, फ्रंट टायर 19 इंच का आपको देखने को मिलता है और रियर टायर जो है वो 17 इंचेस का आपको देखने को मिलता है। फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो 190/19 का आपको मिलता है और रियर टायर आपको 140/70/17 का देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर आते हैं इसके अंदर, कंपनी फिटेड ही आपको। बाकी 191 kg बाइक का वेट है और 170mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 765mm की आपको सीट हाइट मिलती है। 1400mm का आपको जो है व्हील बेस मिलता है। ओवरऑल हाइट जो है बाइक की वो 1140mm की आपको जो है देखने को मिलेगी और विड्थ जो है 845mm की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और 2140mm की जो है लेंथ देखने को मिलती है। बैक रेस्ट की क्वालिटी काफ़ी शानदार आपको जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। और ड्यूल रोड चेसिस आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम ट्विन डाउन ट्यूब स्पिन फ्रेम चेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर वाइब्रेशंस ना के बराबर हैं। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स के लिए। तो काफ़ी बढ़िया जो है बाइक आपको देखने को मिलती है, जो उसके सारे फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। काफ़ी रिलायबल बाइक है, कंफर्टेबल है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंपनी फिटेड एक्सेसरीज आपको जो कि मिलती हैं, जो कि अलॉय व्हील्स हो गए, ट्यूबलेस टायर हो गए, बैक रेस्ट हो गया, ठीक है ना। और फीचर्स भी लगभग सभी मिलते हैं। सर्विस एक्सपीरियंस शानदार है रॉयल इनफील्ड का। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पे भी आपको ये बाइक परेशान नहीं करेगी। किसी भी एज ग्रुप का पर्सन चलाए, सभी के ऊपर अच्छी भी लगती है और प्राइस भी काफ़ी शानदार है। LED रिंग आपको देखने को मिलती है हेडलाइट के अंदर इसके अंदर, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इस बाइक के बारे में, फिर भी कुछ रह गया मीटियोर 350 का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।